तो आप देख सकते हैं सुखना के फ्लड गेट सब बंद किए जा रहे हैं फाइनली। यहाँ देख सकते हैं इतनी देर खाली रखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेड़ फंसा हुआ था तो इतनी देर से नहीं था, अब आप देख सकते हैं फ्लड गेट सब बंद किए जा रहे हैं और एक एक करके अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पानी जरकपुर और बटाना वालों के लिए एटलीस्ट एक खुशखबरी आ गई। डेरावसी के घर के वहाँ जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुका है कि वहाँ पे पुल नहीं दिख रहा, तो वही आप देख सकते हैं कि अब एक एक करके पुल फ्लड गेट बंद किए जा रहे हैं। तो ये आप पहला फ्लड गेट आप देख सकते हैं बंद है, एक पहले ही बंद था, पहले शायद अटकलें चल रही थी कि फ्लड गेट, और ये आप देख रहे हैं स्पीड से आप देख सकते हैं पानी यहाँ से ओवरफ्लो होता हुआ, फ्लड गेट बंद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक फ्लड गेट बंद किया गया, उसका पानी ऊपर तक आया और अभी भी एक फ्लड गेट रह गया, एक बंद हो चुका है एक रह गया। तो देख सकते हैं कितनी मशक्कत लगती है, इससे पहले लगता था खोलने में मशक्कत लगती है, तो अब हम कह सकते हैं कि फ्लड गेट्स बंद है। और आप देख सकते हैं पानी अभी भी आ रहा है यहाँ पे, हमारे पानी का लेवल में दिखा देंगे कि एक एक करके थोड़ा उठाया जा रहा है। तो फ्लड गेट बंद होने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इम्पैक्ट आया, सुखना लेक का फ्लड गेट फाइनली बंद हो गया है, एक गेट हम कह सकते हैं कि बंद हो गया है। बिल्कुल हल्की रेन हो रही है पर फ्लड गेट हम कह सकते हैं कि अभी डिसाइड हो रहा है कि अभी खुलना है कि बंद है, ब्लॉक किया जा रहा है, फ्लड गेट बंद हो रहे हैं। हाँ, एक बंद कर दिया गया, दोबारा से खोलते हुए बंद किया था, फिर दोबारा थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसे खुल के रखा जा रहा है ताकि प्रेशर रिलीव होता रहे। आप देख सकते हैं कि पहले था कि शायद पूरी तरह बंद करेंगे पर नहीं, पूरा नहीं बंद किया जा रहा, लीफ के हिसाब से थोड़ा सा खुला रखने की बात कही जा रही है, यानी कि पानी एटलीस्ट चलता रहे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जरकपुर बेटाना डेरावसी वालों को अभी भी पानी मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी का प्रोसेस चल रहा है, पहले एक बार एक ही बंद किया था, सोचा गया था शायद काफ़ी होगा पर जैसे ही बंद किया जो प्रेशर इतना आया, देखिए मैं यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे पानी का लेवल अचानक से एक पॉइंट ऊपर बढ़ गया। तो सुखना लेक के वाटर लेवल की हम बात कर रहे हैं तो कभी भी डेंजर लेवल से थोड़ा सा ही नीचे है, पर आप देख सकते हैं अब आगे का फ्लड गेट, ये वाला फ्लड गेट बंद हो चुका है तो अब आगे वाले फ्लड गेट को आधा बंद किया जाएगा। तो इन फ्लड गेट्स के बंद होने से एटलीस्ट जरकपुर और बटाना, मैं बार बार जरकपुर बटाना की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा इसका असर देखने का, जरकपुर बटाना वालों आप ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके बंद होने से, इन फ्लड गेट्स के आधी होने से आपको कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पानी मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी आ रहा है आपकी तरफ, यहाँ से सुखना लेक से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी बाढ़ पहुँच रही है, लगातार ही मूवमेंट रखी जा रही है, लगातार ही शिफ्टिंग हो रही है पानी को लेकर, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रेस हैं और सवाल कहीं ना कहीं बने हुए हैं कि सुखना तो ये सुखना लेक की लाइव तस्वीर है, फ्लड गेट्स बंद होते हुए आप देख सकते हैं कि आखिरी गेट जो रह गया है वो डिपिक्ट किया जाएगा और फाइनली उसको भी क्लोज किया जाएगा, अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी रखा है और एक एक करके आप देखें बिल्कुल फुल स्पीड वही आप देख सकते हैं पेड़ जो फंसा हुआ था उसको निकाला गया, अलग अलग रस्सियां हैं, बहुत मशक्कत लगती है इसी तौर पर उनके कि जब इसको खोलना या बंद करना पड़ता है, खोलना फिर भी हम कंपेटिबली ईजी मान लेते हैं, जैसे कि आपने देखा आपको खोलने के लिए कितनी चार लोग एक तरफ लगातार कंटिन्यूसली लगे होते हैं, और अब जब इसे बंद किया जाएगा तो पानी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी तरह का कोई रिस्क तो नहीं, कोई बांध तो नहीं फंसा हुआ, उन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके सब कुछ बड़ी बारीकी देखिए हर एक चीज़ कंसिडर की जा रही है। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि लोगों को हटाया जा रहा है, पुलिस अपनी तरफ से यहाँ पे अब इस पुल को खाली करा रही है, फैक्टर चीज़ें कहीं हैं देखें कि खाली कराई जा रही है क्योंकि कहीं अगर वाटर फ्लो होता है पीछे से पानी ज़्यादा आता है तो एक रिस्क फैक्टर फिर भी बना हुआ रहता है। तो खड़े हैं यहाँ पे लगातार ही हम कह सकते हैं कि मूवमेंट्स चल रही हैं और फ्लड गेट्स किसी भी वक्त हम कह सकते हैं कि अब बंद किया
किए जा सकते हैं और ये बंद करने का काम शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि लीवर खींच लिया गया है और आप देख सकते हैं एक साथ ये भी लॉक लगाते हुए, ये तालमेल दोनों साइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना तालमेल के इन्हें बंद नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि मिल के दोनों तरफ, मैं दोनों चीज़ दिखाऊँ, दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, मूवमेंट चलेगी, वो अपनी तरफ से लॉक खोल रहे हैं, बराबर लेवल पे लाया जाएगा और ये लॉक पकड़ते हुए, उसके बाद ये लीवर इधर से छोड़ते हुए, ये आप देख सकते हैं लॉक, और अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फुल स्पीड से चलते हुए, ये आप देख सकते हैं डिफेक्शन चल रही है और एक फुल धीरे धीरे, आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर इतना है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना लीवर वो खींचेंगे उतने हिसाब से, वो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से पूरा दम लग रहा है, वो कोऑर्डिनेशन बनाने में लगे हुए हैं दोनों, कि जैसे ही कोऑर्डिनेशन पूरा होगा उसके बाद लीवर देख सकते हैं एक एक करके धीरे धीरे लीवर नीचे किए जा रहे हैं, एक ही बार में पूरा नहीं बंद किया जा रहा, जैसे ये वाला फ्लड गेट बंद करके फिर खोला गया था तो वो एक एक करके इसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, स्लो स्लो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। जैसा पिछला आपने गेट देखा था कि फटाफट हो गया था, ये बहुत ही स्लो स्लो किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही शायद डिसाइड है कि इसका लेवल के हिसाब से होगा कि कितने लेवल, क्योंकि गेट पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा है, गेट को थोड़ा खुला रखा जा रहा है ताकि पानी निकलता रहे, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में कोशिश की जा रही है, पुलिस अपनी तरफ से लोगों को यहाँ से मूव कर रही है। पलटाना में कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हम कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा, अब हम कह सकते हैं कि पानी का लेवल वहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नज़र आएगा, लोगों थोड़ी राहत ऑफकोर्स वहाँ पे मिलेगी, धीरे धीरे आप देख सकते हैं पीछे, मैं आपको बोलूँगा कि आप पीछे फोकस करें कि कैसे एक एक करके इसको शायद इतने पे ही डिसाइड किया जा रहा है कि इससे नीचे नहीं करने दिया जाएगा। क्या डिसाइड हो रहा है, मूवमेंट काफ़ी है, सफिशिएंट काफ़ी है कि अभी और नीचे करना है कि नहीं करना है, अभी भी देख सकते हैं कि और नीचे ले जाने की डिसीजन किया जा रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि लगभग अभी फाइनल कोऑर्डिनेशन चल रही है कि जितना हो सकता है उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मूवमेंट रहेगी, फाइनल डिसीजन बैरिकेड्स के कितना नीचे होना है, अभी भी हम देख सकते हैं कि नीचे जाया जा रहा है, एक एक करके लीवर खींचा जा रहा है और काफ़ी दम लग रहा है, आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा दम लगता है और इसका लेवल बिल्कुल बारीकी से बराबर किया जाएगा कि सफिशिएंट पानी जाता रहे, और जैसे ही पानी लेवल लगता है कि सफिशिएंट होगा तो इन गेट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो आपको दिखा दें कि यहाँ से हम कह सकते हैं मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो लगती है, पर आपको पानी आप इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि पीछे कितना पानी जा रहा है, एक टाइम पे जब ये गेट बंद रहेंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा, कई फुट कई सौ फुट पानी हम कह सकते हैं हाइट में आप हम कह सकते हैं पानी कम होगा, और यहाँ पर एक एक करके गेट्स नीचे किए जा रहे हैं, बराबर लेवल पर लाए जा रहे हैं, पानी कोशिश की जाएगी कि बराबर लेवल पे लाके इन्हें बंद कर दिया जाए। तो आपने स्लो स्लो देखा कि किस तरीके से पानी को कम किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है।